Assalamu alaikum and a very warm welcome to ACD classes. My name is Tawqir al Islam and I welcome you to this specialization series for the post of supervisor. अभी तक हमने यूनिट 6 के 9 लेक्चर्स किए हैं और आज ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 होगा. पिछले लेक्चर में हमने अडॉप्शन को कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम फॉस्टर केयर को कवर करेंगे. नाउ फॉस्टर केयर को समझने से पहले अगर मैं आपसे फॉस्टर वर्ड की मीनिंग जानूं तो मे बी आपने सुना होगा फॉस्टर मदर, कहीं पे आपने सुना होगा. और जो लोग थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे तो फॉस्टर मदर कहते हैं जिसको हम कह देंगे दाइमा, जिसको हम कह सकते हैं एक औरत जो किसी दूसरे बच्चे का ख्याल रखती है. शी टेक्स केयर ऑफ हर, उसको पालती है लेकिन उसकी रियल मदर नहीं होती है. लाइक वी सी इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट उनकी जो फॉस्टर मदर थी वो बीबी हलीमा थी. तो फॉस्टर मदर का मतलब होता है एक ऐसी औरत जो किसी दूसरे बच्चे का ख्याल रखती है जो उसका अपना बच्चा नहीं होता है. अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जाननी है कि फॉस्टर केयर में जिस बच्चे को लिया जाता है वो उसको टेम्परेरीली लिया जाता है, परमानेंटली उसको नहीं लिया जाता है, अनलाइक एडॉप्शन. अगर कोई किसी बच्चे को अडॉप्ट करेगा तो वो जिस बच्चे को अडॉप्ट करें वो लीगली उनका चाइल्ड बन जाएगा और वो उसके लीगली पेरेंट्स बन जाएंगे. लेकिन अगर कोई फॉस्टर मदर बनती है किसी की, किसी बच्चे को अपनी फॉस्टर केयर में लेती है, तो वो उसकी फॉस्टर मदर बनेगी, वो उसकी लॉफुल मदर नहीं है, वो उसका लॉफुल चाइल्ड नहीं है. ठीक है, तो फॉस्टर केयर और एडॉप्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो यही है कि फॉस्टर केयर में यूजुअली बच्चे को टेम्परेरीली रखा जाता है और असल में फिर बाद में वो वापस अपने पेरेंट के पास, मकसद होता है उसको वापस अपने पेरेंट के पास ही भेजना. ठीक है, अब ऐसे बच्चे जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते उनको टेम्पोरेरीली रखा जाता है फॉस्टर केयर में. और फॉस्टर केयर के लिए फॉस्टर होम्स होते हैं, जिस तरह से लाइक यू माइट हैव सीन लाइक जैसे ऑर्फनेज्स होते हैं वैसे ही फॉस्टर होम्स होते हैं. फॉस्टर होम्स होते हैं ऐसी जगह जो गवर्नमेंट जिनको एस्टैब्लिश करती है, यूजुअली नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट होम फॉस्टर होम्स भी होते हैं, जहाँ पे ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाते, जिनको कुछ इश्यूज होते हैं अपनी फैमिली के साथ. ठीक है, अब क्या क्या इश्यूज होते हैं, किस वजह से, तो वो हम आगे देखेंगे. और यूजुअली ऐसे फॉस्टर केयर होम्स को आउट ऑफ होम केयर कहा जाता है. ठीक है, यूजुअली फॉस्टर केयर को आउट ऑफ होम केयर भी कहा जाता है. अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पा रहा है तो उसको या तो एक फॉस्टर केयर होम में रखा जाएगा या कोई फैमिली उसको अपने अपने पास रखेगी उसका उसकी फॉस्टर केयर के लिए. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी फॉस्टर केयर होम में ही रखा जाएगा, यानी किसी लाइक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश फॉस्टर केयर में रखा जाएगा, उसको कोई फैमिली भी अपने लाइक फॉस्टर केयर में ले सकती है. ये चीज़ आपको समझनी है. और यहाँ पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ फॉस्टर केयर टेम्परेरी होता है, एडॉप्शन परमानेंट होता है. यहाँ पे मकसद होता है कि कुछ टाइम के लिए उस बच्चे की देखभाल करना और फिर वापस उसको अपने पेरेंट्स के पास भेजना, जहाँ पे उसको वापस पेरेंट्स के पास भेजा जा सकता है. ठीक है, फॉस्टर केयर एक टेम्परेरी लिविंग अरेंजमेंट है चिल्ड्रन के लिए जो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते ड्यू टू सम रीजंस लाइक अब्यूज़ की वजह से, यानी अगर उनके पेरेंट्स उनको अब्यूज़ करते हैं. यू माइट हैव सीन लाइक बच्चों को मारते हैं या उनको डिफरेंट तरीके से अब्यूज़ करते हैं. लाइक अगर पेरेंट है जो कि लाइक खुद ड्रग अब्यूज़ या लाइक अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता है तो ऐसे केसेस में बहुत कॉमन है कि वो अपने बच्चों को अब्यूज़ करते हैं. या नेगलेक्ट अगर बच्चा फेस कर रहा है, मतलब घर वाले उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, या फैमिली में कोई क्राइसिस है, फैमिली में कोई इशू है जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वहाँ पे नहीं रह सकता है, या उस घर में बच्चे के लिए रहने का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट फीजिबल नहीं है उस बच्चे के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे को फॉस्टर केयर में टेम्परेरीली रखा जा सकता है. ठीक है, अब चिल्ड्रन जो फॉस्टर केयर में रहते हैं वो रहते हैं अंडर द लीगल कस्टडी ऑफ द स्टेट. यहाँ पे ये है कि मतलब जिस बच्चे को आप फॉस्टर केयर या फॉस्टर होम में रखा जाएगा वो स्टेट यानी गवर्नमेंट की लीगल कस्टडी में है, यानी गवर्नमेंट पे ये जिम्मेदारी है कि उसका ध्यान रखना, उसकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना. ठीक है, और जो गोल होता है वो अक्सर होता है रीयूनिफिकेशन विद देयर बायोलॉजिकल फैमिली, यानी अक्सर अल्टीमेटली क्या कोशिश की जाती है कि उस बच्चे को या हर एक बच्चे को जो फॉस्टर होम में है उसको अपनी फैमिली के साथ वापस मिलाया जाए. अब कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉसिबल नहीं होता है, तो वैसे केस में फिर दूसरे तरीके से लाइक मे बी उसको लाइक अडॉप्शन वगैरह के लिए दिया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कोशिश की जाती है कि उस बच्चे को वापस अपनी फैमिली में रीयूनिफाई उसके साथ किया जाए. जो प्राइमरी गोल होता है, वो प्राइमरी गोल होता है फॉस्टर केयर का, वो होता है सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बच्चे को while addressing the issues within the biological family, यानी
उसकी जो फैमिली है, साथ साथ में उसकी फैमिली जो है उसमें जो इश्यूज चल रहे हैं उनको ठीक करना, ताकि बच्चे का इवेंचुअल रीयूनिफिकेशन हो, यानी ताकि अल्टीमेटली बच्चा अपनी फैमिली के साथ फिर से रीयूनिफाई हो पाए, ठीक है। अब प्लेसमेंट सेटिंग्स लाइक जैसे ग्रुप होम्स, रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटीज, शेल्टर्स फॉर होमलेस एंड सुपरवाइज इंडिपेंडेंट लिविंग, ये भी फॉस्टर केयर की डिफिनेशन में आते हैं। यानी होमलेस के लिए जो शेल्टर्स आते हैं, या जो लाइक रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटीज होती हैं, ऐसी जगह जो लाइक ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसी प्लेसमेंट्स जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, जहाँ पे ऐसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है या ऐसे लोगों का ख्याल रखा जाता है जिनका कोई नहीं है, जो होमलेस है या जिनको घर से निकाल दिया, ऐसी चीज़ें, तो उन सारी जगहों को भी फॉस्टर केयर में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। दे मे ऑल्सो रिजाइड इन ए ग्रुप होम, ए रिलेटिव्स हाउस। अब ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन में ही वो रहेंगे, रिलेटिव के घर पे भी एक बच्चा रह सकता है जिसको घर पे लाइक ऐसी कोई क्राइसिस चल रही हो, और रियर केसेस में सुपरवाइज इंडिपेंडेंट लिविंग भी वो कर सकते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंटली भी कहीं पे बच्चा रह सकता है, लेकिन सुपरवाइज, जहाँ पे उसको कोई ध्यान रखेगा, इंडिपेंडेंटली रहेगा वो, लेकिन कोई वहाँ पे देयर शुड बी समबडी जो उसको सुपरवाइज करेगा, यानी गवर्नमेंट उसको सुपरवाइज करेगी, इट ही विल द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ हिम, ठीक है। अब फॉस्टर पेरेंट कौन बन सकता है, यानी कौन किसी बच्चे को टेम्परेरली अडॉप्ट कर सकता है। टेम्परेरली, यहाँ पे मैं अडॉप्ट वर्ड कर रहा हूँ, प्रॉपर वर्ड अडॉप्ट नहीं है, मतलब कौन सा इंसान फॉस्टर पेरेंट बन सकता है, यानी कौन सा पेरेंट, कौन सा इंसान टेम्परेरली किसी बच्चे को अपने पास फॉस्टर केयर के लिए रख सकता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो जो टर्म्स बताऊंगा, ये डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, यानी अगर ये कैरेक्टरिस्टिक उसमें होगा तो वो फॉस्टर पेरेंट नहीं बन सकता, यानी वो किसी बच्चे को अपने पास फॉस्टर केयर में नहीं रख सकता। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि फॉस्टर केयर सिर्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस में हो, फॉस्टर केयर होम्स में ही हो, किसी फैमिली के साथ उनके घर में भी कोई अपने साथ फॉस्टर केयर में बच्चे को रख सकता है। पहला, अगर किसी की क्राइम हिस्ट्री है, पर्सन जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसने कोई क्राइम किया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो फॉस्टर पेरेंट नहीं बन सकता है। दूसरा है अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़। अगर कोई इंसान ड्रग अब्यूज़ कर रहा है या फिर अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो वो भी फॉस्टर पेरेंट नहीं बन सकता, यानी वो नहीं, किसी बच्चे को अपने पास फॉस्टर केयर में नहीं रख सकता। अगर किसी बच्चे पे चाइल्ड अब्यूज़ का कोई केस है, तो वो भी फॉस्टर केयर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ही कैन नॉट बी अ फॉस्टर पेरेंट और शी कैन नॉट बी अ फॉस्टर पेरेंट। क्राइम फ्री फैमिली, यानी फैमिली एक तो होता है कोई इंसान जो फॉस्टर पेरेंट बनना चाहेगा, साथ में उस फैमिली में जो उनके साथ रह रहे हैं वो भी क्राइम फ्री होने चाहिए, उनके वो भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी बच्चे को उस फैमिली में ला रहे हैं तो फॉस्टर केयर के लिए, तो अगर उनमें फैमिली मेंबर्स में से कोई होगा जिसकी क्राइम हिस्ट्री होगी, क्रिमिनल हिस्ट्री होगी, तो ही माइट अब्यूज द चाइल्ड, या वो कुछ लाइक कमिट कर सकता है क्राइम चाइल्ड के साथ, ठीक है। इन एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि कल को जब बच्चा घर में आएगा तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बच्चे की वजह से थोड़ी बहुत लाइक स्ट्रेस लेवल बढ़ सकती है, तो उस वजह से उस स्ट्रेस को हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एंड इनकम नॉट इनफ, अगर फैमिली या उस इंसान की फैमिली उतनी नहीं है इनकम कि वो बच्चे को अपने पास फॉस्टर केयर में रख पाए, तो वो भी नहीं रह सकता। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि गवर्नमेंट यूजुअली सब जो है ऐसे लोगों को जो किसी बच्चे को फॉस्टर केयर में ले लेते हैं, उसको पेमेंट करती है, उसको पैसे देती है, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास खुद का लाइक एक सफिशेंट इनकम सोर्स होना चाहिए, ठीक है, ये भी एक क्राइटेरिया। और मेडिकली अनफिट अगर हुआ तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया ही पूछे जा सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो वो दे सकते हैं, मे बी चाइल्ड अब्यूज, क्राइम फ्री फैमिली, इनएबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, और भी वो लास्ट में दे सकते हैं कोई और ऑप्शन जो इसमें से नहीं है, तो आपको वो वाला लगाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको लाइक पता होनी चाहिए कि इस वजह से कोई फॉस्टर पेरेंट नहीं बन सकता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने लाइक ऐसे बच्चों के लिए जो अपने घर वालों के साथ नहीं रह सकते, एक स्कीम निकाली थी जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ICPS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ICDS, वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, वो हम अलग पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो आपका आंगनवाड़ी सिस्टम है, जो आपका जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जहां आप लगोगे, जिन चीज़ों को आप लाइक कल को सुपरवाइज करने वाले हो, आप उसी ICDS के अंदर आते हो, ठीक है, वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। लेकिन ये जो है ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है।
इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2009-10 में लॉन्च किया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था 2009-10 के अंदर। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम का मकसद है टू क्रिएट अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी ऐसे बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उनके लिए एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बनाना, ये ICDS स्कीम का मकसद है। एज वेल एज ऐसे बच्चे हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अब ICDS स्कीम के अंदर मकसद तो यही है कि केयर एंड प्रोटेक्शन करना है ऐसे बच्चों की जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब वो कैसे करेंगे, इसके लिए फॉस्टर होम्स बना के या उनको डिफरेंट तरीके से जिस तरह से भी स्कीम के थ्रू या उनको अगर फॉस्टर पेरेंट्स मिल जाते हैं तो उन फॉस्टर पेरेंट्स को उसके बदले उनको पेमेंट करना मंथली ताकि उस बच्चे का ख्याल रख पाए, या उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना जिनको फॉस्टर केयर की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ICPS के अंदर आती है। ICPS के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, ICPS के अंदर फॉस्टर केयर आता है, एडॉप्शन सर्विसेज आती हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज आती हैं, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स आते हैं। अब ये क्या क्या है, फॉस्टर केयर सिंपल है कि फॉस्टर केयर में सब कुछ आएगा, फॉस्टर होम्स बनाना, उनको मैनेज करना, ये ICDS का काम है। दूसरा है एडॉप्शन सर्विसेज। अब जो फॉस्टर होम्स होंगे उनमें कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अपनी फैमिली के साथ रीयूनिफाई नहीं हो सकते क्योंकि उनकी फैमिली का पता ही नहीं या उनकी फैमिली में कोई नहीं, ऐसे भी होते हैं ना बच्चे, तो उनको एडॉप्शन के लिए दिया जाता है। तो वो एडॉप्शन सर्विसेज भी ICDS देखेगा, ऐसे बच्चों को एडॉप्शन में देना, ये भी ICDS का कॉम्पोनेंट है। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, बच्चे होते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी को फैमिली में अब्यूज हो रहा है, किसी को किसी वर्क प्लेस पे बेचारे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, छोटा बच्चा है कोई उसको चाइल्ड लेबर वगैरह, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे बच्चों को बचाना है, तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज भी ICDS प्रोवाइड करता है। स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स में कभी कभी बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिनको जरूरत है तो उनको स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है, तो ICDS ऐसे बच्चों को मे बी पढ़ाई के लिए दूसरी चीजों के लिए स्पॉन्सर करेगी। ठीक है, ये फोकस करता है ऑन स्ट्रेंथनिंग द चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम एट वेरियस लेवल्स फ्रॉम नेशनल टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन कम्युनिटी लेवल तक, यानी हर एक लेवल पे बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये ICDS का काम है। ठीक है, ये स्कीम बेस्ड है दो प्रिंसिपल्स पे, वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड सेकेंड इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। जब हम एडॉप्शन की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमने देखा कि जो चाइल्ड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है उसको टॉप प्रायोरिटी रखनी है। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी देनी है, तो इन दो प्रिंसिपल्स पे ICDS काम करती है। ये जो है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ICPS एक अम्ब्रेला स्कीम है, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर और भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन या उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं फॉस्टर केयर स्कीम पे जिसका नाम है वत्सालय। अब बेसिकली अभी तक मैंने आपको ICPS के बारे में बताया, लेकिन ICPS जो है ICPS को फिर बाद में रीनेम करके बनाया गया फॉस्टर केयर स्कीम। ICPS को पहले 2009-10 में लॉन्च किया गया था, लेकिन फिर 2021-22 में ICPS का नाम वत्सालय रखा गया। तो बेसिकली वत्सालय और ICPS एक ही चीज़ है, पहले वो ICPS हुआ करता था, अब आज की डेट में उसका नाम है वत्सालय। तो अब हम वत्सालय के बारे में जानेंगे। अब वत्सालय आने से पहले हम बात करेंगे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये कहाँ से आया। 2009 से पहले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तीन स्कीमें चलाती थी, एक थी जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड स्कीम फॉर असिस्टेंट ऑफ चिल्ड्रंस होम्स, ये तीन स्कीमें हुआ करती थी। और 2010 के अंदर जब ICPS आया यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम आया, तो इन तीनों स्कीमों को मर्ज किया गया इंटू ICPS, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। 2017 में चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस इसको रीनेम किया गया एज चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम, और फिर 2021-22 में इसी को रीइंट्रोड्यूस किया गया एज वत्सालय। तो आज की डेट में जो फॉस्टर केयर स्कीम इंडिया में रन करती है दैट इज योर वत्सालय स्कीम। ठीक है, जिसको 2021-22 में रीनेम किया गया था एज मिशन वत्सालय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्टर केयर स्कीम वत्सालय इसको इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रोवाइड टेम्प्रेरी सब्स्टिट्यूट केयर फॉर चिल्ड्रन, यानी टेम्प्रेरी केयर चिल्ड्रन को प्रोवाइड करना जो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज में है या जिनके पेरेंट्स उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, हुज पेरेंट्स आर अनेबल टू टेक केयर फॉर देम
डिफरेंट रीजंस की वजह से, लाइक इलनेस की वजह से वो बीमार है, उनके पेरेंट्स, उनकी डेथ हो गई है, या डिसर्शन ऑफ वन पेरेंट और एनी इमोशनल क्राइसिस। डिसर्शन का मतलब होता है जब कोई लाइक जो उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि डिसर्शन की अगर हम मीनिंग देखेंगे तो डिसर्शन का मतलब होता है अगर कोई इंटेंशनली अबंडन कर देता है अपनी उस पर जो लाइक ड्यूटीज़ हैं, उस पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक उसका चाइल्ड है, अगर वो इंटेंशनली अपने बच्चे को अपने बच्चे को अबंडन कर देता है, छोड़ देता है, उसको डिसर्शन कहते हैं। यानी अगर पेरेंट कोई, फॉर एग्जाम्पल किसी का बाप, उसने अपने बच्चों को या अपने बच्चे को डिसर्ट कर दिया, उसने उसको छोड़ दिया, अबंडन कर दिया, अब वो अपनी माँ के साथ रह रहा है, उसकी माँ नहीं कर पा रही है, लाइक उसका ख्याल नहीं रख पा रही है, तो वैसे बच्चे का भी लाइक मिशन वत्सालय में ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। अब चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी विलेज लेवल पे ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करती है जो कि जिनको जिनको ज़रूरत है फॉस्टर केयर की, जिनको केयर की ज़रूरत है, जो कि एलिजिबल हैं फॉर द सपोर्ट, यानी जिनको इस स्कीम के अंडर सपोर्ट किया जा सकता है। अब इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फर्स्ट इज एंश्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड फ्लरिश इन ऑल एस्पेक्ट्स। बेसिकली बच्चों को उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, यानी कोशिश करनी है कि बच्चे को एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ पे वो फुली डेवलप हो पाए, फ्लरिश हो पाए हर एस्पेक्ट में, यानी हर लिहाज से, लाइक बच्चा किसी तरह से भी पीछे ना रह जाए। एक सेंसिटिव, सपोर्टिव और सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम प्रोवाइड करना बच्चे को फॉर हिज डेवलपमेंट, असिस्ट करना, यानी इस स्कीम के अंडर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को हेल्प की जाती है इन इम्प्लीमेंटिंग द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव इसका है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये चार ऑब्जेक्टिव्स हैं मिशन वत्सालय के। फर्स्ट इज टू इंश्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। सेकंड इज टू फॉस्टर ए सेंसिटिव, सपोर्टिव एंड सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। थर्ड इज असिस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंप्लीमेंटिंग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। एंड फोर्थ इज अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब प्लेसमेंट कंडीशंस क्या है, यानी जब बच्चे को जब लाइक प्लेस किया जाएगा तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको लाइक फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट इज व्हेन प्लेसिंग ए चाइल्ड इन फॉस्टर केयर, तो जब भी किसी बच्चे को फॉस्टर केयर में रखा जाएगा तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज नॉट मोर देन टू चिल्ड्रन शैल बी प्लेस्ड इन ए फॉस्टर फैमिली एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिबलिंग्स। यानी दो बच्चों को, नॉट मोर देन टू चिल्ड्रन मतलब दो बच्चों से ज़्यादा बच्चों को एक ही फैमिली में नहीं रखा जा सकता है, लाइक फॉस्टर फैमिली में, ठीक है। अब अगर तीन भाई बहन हैं, यानी सिबलिंग्स अगर होंगे तो वहाँ पे उनको रखा जा सकता है, लेकिन अगर भाई बहन नहीं है तो वैसे केस में दो से ज़्यादा बच्चों को फॉस्टर फैमिली में नहीं रखा जाता, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज फॉस्टर केयर एप्लीकेंट्स को बिहेवियरल इश्यूज़ के बारे में काउंसलिंग की जानी चाहिए, ठीक है। बिहेवियरल इश्यूज़ लाइक उनको बताना चाहिए कि लाइक ये बच्चा आपके घर में आएगा तो लाइक इसको लाइक ऐसा बिहेवियर इसका हो सकता है, इसके साथ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसके बारे में उस फैमिली को लाइक काउंसिल किया जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई फैमिली फॉस्टर फैमिली बनना चाहती है तो वो अप्लाई करती है पहले कि वी वांट टू बिकम ए फॉस्टर फैमिली, वी वांट टू टेक केयर ऑफ लाइक ऐसे बच्चों का हम ख्याल रख सकते हैं या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले उनको, उन फैमिली मेंबर्स को बिहेवियरल इश्यूज के बारे में काउंसिल किया जाता है, बताया जाता है। और जिस बच्चे को लाइक उस प्लेसमेंट लाइक उस फॉस्टर फैमिली में रखा जाएगा उस चाइल्ड की इमोशनल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जाती है पहले, यानी उसका इमोशनल लाइक देखा जाता है इमोशनली ये कैसा है, साइकोलॉजिकली ये कैसा है, फिर फॉस्टर फैमिली जिसमें उसको रखा जाएगा पहले उनके साथ उस बारे में डिस्कस किया जाता है कि लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को मे बी कोई लाइक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उस फैमिली के साथ उसको पहले बताया जाता है कि ये बच्चा ऐसे फैमिली है, ताकि उनको कल को प्रॉब्लम ना हो या वो उस बच्चे को लाइक अच्छे से उसकी केयर कर पाए, ठीक है। चाइल्ड्स ओपिनियन शैल बी सॉट वेर एवर पॉसिबल प्रायर टू द इनिशिएटिंग ऑफ फॉस्टर केयर प्रोसीजर्स। बच्चे का ओपिनियन पूछा जाएगा जहाँ भी पॉसिबल होगा, उससे पहले पूछा जाएगा कि लाइक क्या आप यहाँ जाना चाहते हो या नहीं, ठीक है। इसके बाद इन केस ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ये पहले भी आया था, इसका मतलब है अगर कोई बच्चा है जिसने कोई क्राइम किया है लेकिन अभी वो बच्चा है 18 साल का नहीं है, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है लाइक फॉस्टर केयर की, तो इन केस ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऐसे बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को रेफर कर सकती है टू इनिशिएट द प्रोसीजर्स फॉर फॉस्टर
प्लेसमेंट, यानी लाइक अगर कोई बच्चा होगा जिसने कोई क्राइम कमिट किया होगा तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उस बच्चे को भी लाइक फॉस्टर प्लेसमेंट में रख सकती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनका ख्याल रखना है, जिसमें से पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नॉट मोर देन टू चिल्ड्रन शैल बी प्लेस इन ए सिंगल फॉस्टर फैमिली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले में इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो है मेरे हिसाब से यही प्लेसमेंट कंडीशंस है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में वो टुमारो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्लेसमेंट कंडीशंस, तो वो वहाँ देख सकते हैं लाइक नॉट मोर देन टू चिल्ड्रन कैन शैल बी प्लेस्ड इन अ फॉस्टर फैमिली, ये करेक्ट है। इसके बाद वो लिख नीचे लिख सकते हैं कि और भी लाइक दो चार स्टेटमेंट दे सकते हैं जो इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, अब इस स्कीम के अंडर किस किस तरह से हेल्प की जाती है या किस किस तरह से ये स्कीम जो है ऑपरेट करती है, किस तरह से ये लाइक काम करती है। पहला है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है ऐसे बच्चों को जिनको लाइक ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बच्चा है, ही माइट रिक्वायर स्पॉन्सरशिप, तो वो स्पॉन्सरशिप फॉस्टर केयर स्कीम के थ्रू उस बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। सेकंड इज़ फॉस्टर केयर, यानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिहैबिलिटेट करना बच्चे को, उसको लाइक प्रोवाइड करना, उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना फॉस्टर केयर की। उसके लिए मे बी वो फॉस्टर होम्स बना सकते हैं या फॉस्टर फैमिलीज में उसको देके। ठीक है, ये सब अडॉप्शन ये भी एक काम है जो फॉस्टर स्कीम के अंदर आता है। फाइंडिंग द सूटेबल फैमिलीज फॉर द फैमिली चिल्ड्रन, या जो लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन है, जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी देखा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे फॉस्टर केयर में जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है, तो वो उनका अडॉप्शन का प्रोसेस भी इस स्कीम के अंडर आता है। आफ्टर केयर, आफ्टर केयर का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना ऐसे बच्चों को जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलेंगे, यानी फॉस्टर केयर या फॉस्टर होम से जो 18 साल के जब हो जाते हैं, जब वो वहाँ से निकल जाते हैं तो उसको आफ्टर केयर कहेंगे। यानी 18 साल के बाद जब कोई बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो वो फॉस्टर केयर से उसको फिर बाहर हो जाएगा, वो अपनी लाइक खुद की अपनी लाइफ जिएगा फिर। तो उसको भी मे बी कभी कभी 21 साल और कभी कभी 23 साल तक उसको लाइक गवर्नमेंट देखती है उसका कि लाइक मे बी उसको हेल्प करेगी एम्प्लॉयमेंट हासिल करने में या दूसरे लाइक मे बी कॉलेज वगैरह भी अगर वो जाएगा, तो वैसी सिचुएशंस में भी आफ्टर केयर में भी वत्सालय स्कीम जो है वो एक चाइल्ड की हेल्प करता है। अब कौन कौन से बेनिफिट्स इस स्कीम के अंडर दिए जाते हैं। फर्स्ट इज़ फॉस्टर केयर अलाउंस। फॉस्टर केयर अलाउंस 2500 रुपये पर मंथ का दिया जाता है, और इसके अलावा मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है। 0 to 6 ईयर्स के जो होंगे उनके लिए 1500 रुपये पर मंथ है, 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 2000 रुपये पर मंथ है, इसके अलावा 14 टू 18 ईयर्स वालों के लिए 2500 रुपये पर मंथ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फॉस्टर केयर अलाउंस दी जाती है 2500 रुपये, और फॉस्टर केयर मेंटेनेंस या मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो दी जाती है 1500, 2000 और 2500 रुपये पर मंथ फॉर द एज ग्रुप्स ऑफ 0 to 6 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स एंड 14 to 18 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। तो इस वाले लेक्चर में ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, और क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी वत्सालय स्कीम की, यानी कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, ये किस किस बच्चे को इस फॉस्टर स्कीम या वत्सालय स्कीम के अंडर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इनमें से अब यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है, इनमें से कोई एक के लिए बच्चा क्वालिफाई करना चाहिए, यानी इनमें से कोई एक कंडीशन बच्चा फुलफिल करना चाहिए। द चाइल्ड इज अफेक्टेड बाई फैमिली ब्रेक डाउन और मैरिटल डिस्कॉर्ड, यानी अगर बच्चा अफेक्ट हो रहा है फैमिली के टूट जाने की वजह से या मैरिटल डिस्कॉर्ड, लाइक उसके माँ बाप में कोई इशू चल रहा है, मतलब डाइवोर्स हो गया या ऐसा कुछ फैमिली में इशू हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो अगर बच्चे पर असर पड़ रहा है तो वैसे बच्चे को इस स्कीम के अंडर बेनिफिट दिया जा सकता है। ऐसा चाइल्ड जिसको फैमिली इलनेस या फैमिली सब में सब्सटेंस अब्यूज़, यानी अगर उसके मतलब मे बी उसका पेरेंट जो है वो ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है, तो वैसे बच्चे को अगर या दूसरे किसी क्राइसिस की वजह से अगर वैसे बच्चे को अपहीवल्स कॉज हो रहे हैं, यानी उसको परेशानी हो रही है, ऐसा बच्चा अगर सफ़र कर रहा है, तो वैसे बच्चे को भी स्कीम के अंडर जो है बेनिफिट दिए जा सकते हैं। चाइल्ड इफ़ द चाइल्ड सेफ्टी इज़ एट रिस्क, अगर बच्चे की सेफ्टी रिस्क पे है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा है जिसके घर में वो सेफ नहीं है, तो वैसे बच्चे को भी दिया जा सकता है। चाइल्ड दैट इज़ अफेक्टेड बाई नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर्स, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बच्चा है जिसको लाइक नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर की वजह से, फॉर एग्जाम्पल उसके पेरेंट्स गुजर गए, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वैसे बच्चे को भी
इस जो है बेनिफिट दिया जा सकता है। चाइल्ड दैट इज़ ऑर्फेंड, ऐसा बच्चा जो जिसके पेरेंट्स गुजर गए होंगे, सरेंडर्ड और रिलिंक्विस्ट और अबेंडेंट, जिसको या पेरेंट्स ने लाइक छोड़ दिया है, ठीक है। अ चाइल्ड दैट कैन नॉट बी प्लेस फॉर एडॉप्शन फॉर वेरियस रीजंस, अब ऐसा भी कोई बच्चा होगा जिसको एडॉप्शन के लिए नहीं दिया जा सकता, तो वैसे बच्चे को 18 साल तक बिल्कुल पूरा फॉस्टर केयर फॉस्टर होम में इनको रखना है, ठीक है। अ चाइल्ड इन एन इंस्टीट्यूशन हु कैन बी रीइंस्टेटेड और रेस्टोर्ड बैक इन टू फैमिलीज, ऐसा बच्चा जो किसी फॉस्टर केयर फॉस्टर होम में होगा, जिसको वापस लाइक अपनी फैमिली के साथ वापस रखा जा सकता है, तो वैसे बच्चे को भी फॉस्टर केयर या फॉस्टर स्कीम के अंडर बेनिफिट मिलेगा, तब तक जब तक कि उसको वो वापस अपनी फैमिली में ना जाए, ठीक है। इसके अलावा द चाइल्ड हु इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, ऐसा बच्चा जिसने लाइक मे बी कोई क्राइम किया हुआ है, तो वैसे बच्चे को भी लाइक फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे लेक्चर को अब समराइज़ करूँ, तो आज की इस वीडियो में हमने मेनली दो चीज़ों के बारे में जाना, एक तो है ICPS और दूसरा है वत्सालय, ठीक है। अब ICPS जो है, ICPS पहले हुआ करता था, फिर 2021-22 में उसी स्कीम का नाम वत्सालय हो गया, तो बेसिकली हमने एक ही स्कीम पढ़ी, दैट इज़ वत्सालय, दैट इज़ फॉस्टर केयर स्कीम, जो पहले हुआ करती थी आपकी ICPS और अब वो हो गई है आपकी वत्सालय स्कीम, ठीक है। तो आई होप कि इस वाले लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊँ वो इम्पॉर्टेंट हो और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। तो इस वाली सारी जो लेक्चर सीरीज है, इसमें आप देखोगे कि मैं कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगी। हर एक लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन जो है वो उस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ को अच्छे से पढ़ो, हर चीज़ को अच्छे से समझो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन।